बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की तूफानी रैलियों का सिलसिला जारी है। आज नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में गरजने वाले हैं। रैली के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पार्टी का दावा है कि इस रैली में 7 लाख लोग जुटेंगे। बीजेपी ने इस रैली में अगली कुर्सी पर यानी कि अगली कतार में बैठने की ख्वाहिश रखने वालों से 100 रुपए का टिकट भी वसूला है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मोदी की रैली, 7 लाख लोगों के जुटने का बीजेपी का दावा। अगली लाइन में बैठने के लिए 100 रुपए की टिकट। ममता के गढ़ में मोदी भरेंगे हुंकार। बंगाल में मोदी कमल खिलाने में होंगे फेल या पास। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मंच सजाया जा रहा है। मैदान की साज सज्जा पर नजर डालें तो पोस्टर पर बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी विराज रहे हैं, तो ऊपर पार्टी का लक्ष्य 272 प्लस चस्पा किया गया है। 3 मंच बनाए जा रहे हैं, 12 LCD लगाने का इंतजाम किया जा रहा है और पार्टी का दावा है कि मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को देखने, उनके भाषण को सुनने पूरे पश्चिम बंगाल से 7 लाख लोग जुटेंगे। यानी मोदी की रैली के बाद उनका जादू बंगालियों के सिर चढ़कर बोलेगा। लेकिन इस रैली में अगर आप आगे की कुर्सी पर बैठ मोदी के भाषण का परम आनंद उठाना चाहते हैं तो कीमत है 100 रुपए। बीजेपी ने बाकायदा इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी की है। यानी आम चुनाव का प्रचार और पार्टी फंड में पैसों की भरमार। लेकिन पार्टी के दावे के मुताबिक मोदी को देखने सुनने के लिए बंगाल के लोग भले ही उमड़ रहे हों, सेना ने मोदी के हेलीकॉप्टर को उनकी मनचाही जगह पर नहीं उतरने देने की इजाजत देकर उनके शान में गुस्ताखी कर दी है। लिहाजा बीजेपी गर्म है और इसका आरोप ममता पर मर रही है। इधर मोदी की रैली में टिकट लगाने पर CPM उखड़ गई है। मोहम्मद सलीम ने इसे बीजेपी का कॉरपोरेट कल्चर करार दिया है और मोदी को एक नया प्रोडक्ट जिसे बेचने में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। खैर, सियासत में आरोप प्रत्यारोप के तीर तो चलते ही हैं। रैली में मोदी किस पर और किस अंदाज में गरजेंगे इसकी बकायदा लिस्ट भी बीजेपी के पश्चिम बंगाल ब्रांच ने तैयार कर ली है। नेताजी अंतर्धान रहस्य, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरारती, राज्य में कानून व्यवस्था की हालत, महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अत्याचार। एक दौर था जब ममता दीदी NDA में हुआ करती थी और अब ये दौर है। वक्त बदला तो देखिए सियासत ने भी चोला बदल लिया। ममता का गुणगान करने वाली बीजेपी अब ममता राज को कोस रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने दीदी ही सिर्फ चुनौती नहीं है। बरसों बंगाल पर एक शत राज करने वाला वामपंथ भी मोदी को आसानी से किला फतह करने देने वाला नहीं। जाहिर है बंगाल विजय के लिए मोदी को कड़ा मुकाबला करना होगा। फिलहाल बीजेपी ये सोच संतोष जरूर कर सकती है कि पिछले 2 सालों में पार्टी से जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस दौरान 2 गुने से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। तो क्या ये मोदी का मैजिक है? कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली में ये साबित हो जाएगा कि बीजेपी ने बंगाल की सियासत में कितनी ताकत बटोरी है और पश्चिम बंगाल के त्रिकोणीय चुनाव में बीजेपी की झोली में मोदी कितनी सीटें डाल पाते हैं।